बच्चों ने तो नाम दे दिया इंडियन सुशी और हस्बैंड ने नाम दिया है पोहा रोल। तो आपके पास अगर कोई अच्छा सा नाम हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर दे दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे आप सब जो लोग मेरे वीडियो देखते हो उन्हें तो पता ही है कि मैं अभी टिफ़िन बॉक्स सीरीज़ चला रही हूँ, जहाँ पे 10 से 15 मिनट में बनने वाली टिफ़िन रेसिपीज़ मैं आप सबके लिए लाई हूँ। मैं ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुकी हूँ टिफ़िन बॉक्स सीरीज़ के ऊपर, और आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे पेज पे या चैनल में जाके देख सकते हो। ये मेरी 6 नंबर वीडियो है, मतलब 6th वीडियो। और आज की ये रेसिपी बनेगी एकदम यूनिक, एकदम अनोखी पोहा से। तो मैंने क्या किया है, 1 कप जितना पोहा को अच्छे से पानी से वॉश करके फिर उसे थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया सोक करने के लिए। पोहा आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पतला वाला भी और मोटा वाला भी। अगर पतला वाला होगा तो सोक जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 आलू को उबाल के, ये मैंने कल रात को ही उबाल के रख दी थी, थोड़ा सा नमक डाल के उबाली थी, तो उसे मैं ऐसे कद्दूकस कर रही हूँ। ये आलू को कद्दूकस करना हो गया है। अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना तेल, और तेल में डाल दिया 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा डाला मैंने। और फिर मैं डाल रही हूँ हींग, ये है 1/4 टीस्पून के जितना हींग, और 1 प्याज को चॉप करके रखे थे उसे डाल दिया। अभी इन सारे चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे। मैं मेरे बच्चों को जब ये पहली बार बना के टिफ़िन बॉक्स में परोसी थी ना, तो स्कूल से आने के टाइम से लेके पूरे दोपहर और शाम को भी मुझे पूछते रहे, मम्मी आपने टिफ़िन बॉक्स में वो क्या दिया था। मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है। मैं बोली मुझे पता नहीं है, मैंने मन हुआ तो मैंने बना दिया। तो बोल रहे थे नहीं मम्मी बोलो ना, सुशी है क्या, सुशी है क्या वो। मैं बोली हाँ बेटा इंडियन सुशी है। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, तो बोलने लगे फिर से बना के दे दो, इन लोगों को ये इतना टेस्टी लगा था। वैसे तो मेरे घर वालों को ना पोहा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो लोग पोहा खाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये ट्रिक निकाला इस तरीके से बनाने के लिए। तो सच मानिए ये इतना टेस्टी बना था, वो लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं फिर से आप मुझे बना के परोसो। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज था, प्याज भुनने के बाद उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिया और हल्दी डाल दी, थोड़ा जो कलर आता है उसके लिए मैंने हल्दी डाल दिया, और उसके बाद हरी मिर्च और फिर आलू को डाल दिया। ये आलू डालने के बाद हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा एक मिनट के करीब इन सारे चीज़ों को चला लिया। बस बहुत ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट चलाएंगे, सब मिक्स हो जाए मसाले आलू के साथ तो ही काफ़ी है। उसके बाद इसे निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, आप जब खाना बनाते हो तो बिल्कुल मुस्कुराते नहीं हो, एकदम मुंह फुला के खाना बनाते हो, ऐसे कैसे लगेगा, मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं बोली क्या करूँ, मेरा मुँह ही ऐसा है तो मैं और अच्छा कैसे बनाऊँ। फिर भी एक्चुअली मन लगा के कोई काम करो ना तो ऐसा हर बार मुस्कुराना नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो ये मैंने जो पोहा है भीग गया था उसे अच्छे से मसल लिया, थोड़े से नमक डाल के और पानी डाल के, पानी थोड़ा सा ज़्यादा कौन, मतलब आटा लगाने के लिए जितना पानी चाहिए ना उतना, आधा कप जितना पानी तो मुझे लग गया है 1 कप के लिए। तो ये मैंने इसका एक नरम सा डो बना लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, एकदम नरम सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो डो बना के मैंने साइड पे रख दिया, और अभी इसे क्या करेंगे, बेल लेंगे। इसे बेलना बहुत ट्रिकी होता है, आप चाहे तो, क्योंकि ये फट जाते हैं, तो अगर आप हार्ड डो बनाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी फट जाएंगे, तो इसलिए मैंने नरम डो बनाया। आप भी जब बनाएं तो नरम डो बनाएं, और उसके बाद थोड़ा सा आटा लगा ले नहीं तो तेल लगा ले, और उसे बेल ले। लंबे शेप में बेलना है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग जाएगा, तो इसके लिए लंबे, थोड़ा सा लंबे शेप में इसे बेल लेना होगा। और बेलने के बाद नीचे चकले के साथ ना ये चिपक जाता है, तो उसे पहले आप निकाल लीजिए, तो नहीं तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे मैंने निकाल लिया, और ये जो आलू का जो स्टफिंग तैयार करके रखे थे उसे अंदर डाल दिया। दोस्तों और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये जो प्रिपरेशन है इसे ना आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। जैसे ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसे ऐसे पूरा फ़ोल्ड कर लिया,
और राउंड शेप में दे दिया। ये थोड़ा सा फट रहा था तो इसके लिए थोड़ा सा टेस्ट कर ली मैंने। बहुत टेस्टी बना है ये, अंदर का जो स्टफिंग है वो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये मैंने रोल कर लिया इसे, और इसके बाद इसे ना शेप में अच्छे से खूबसूरती से काट लेंगे तो देखने में ये बहुत बढ़िया लगेगा। और ये चाकू से जब आप काटेंगे तो काटने के समय चाकू में चिपक जाता है, तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेके ना हाथ में ले लेना है। ये मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल हाथ में ले लिया और चाकू में ऐसे दोनों साइड से लगा लिया, और उसके बाद मैं इसे काट रही हूँ, नहीं तो चाकू में ना सारे स्टफिंग जो है वो चिपक जाते हैं। ये देखिए ये कितने स्मूथ कट गया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। ये फिर से मैंने तेल लगाया और उसके बाद फिर से मैंने कट करी, और कट करने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही सारे जो रोल्स है उसे कट करके एक डिश में रख देंगे। तो दोस्तों मैं आपको जो बोल रही थी ना, इसे आप स्टोर कर सकते हैं इसी तरीके से। आप इसी हालत में आप अगर चाहे तो एक एयर टाइट कंटेनर मत लीजिए, एक थाली में ऐसे अच्छे से खूब मतलब सजा के फिर ऊपर से एक थाली डाल के कवर करके, पूरा कवर करना है तो कवर करके तो उसे फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो अगले दिन के लिए आपको आसानी हो जाएगी, सुबह सुबह आपको फटाफट आप फ्राई करके इसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो इसमें फ्राई करने के लिए ना तेल बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। ये जो मैंने तेल डाला है, चार पाँच टेबल स्पून के करीब तेल डाला है, और वो तेल पूरा बच जाएगा, मतलब कोई अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो देखिए ये कलर भी कितना अच्छा आ गया है, और ये देखिए कितना सारा तेल भी, जितना तेल मैंने दिया था उतना तेल पूरा रह गया है, ये इतना ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो दोनों साइड से मैंने इसे फ्राई कर लिया और फिर इसे उठा रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो इसे अभी टिफ़िन बॉक्स में डाल देंगे, इससे ना पेट भर जाता है। चार या छः अगर आप डालोगे ना तो उसमें से ही पेट भर जाता है, क्योंकि ये जो बाहर का पोहा का जो लेयर रहता है वो बहुत हेवी रहता है, मोटा रहता है, और अंदर का भी आलू का स्टफिंग है तो उस वजह से पेट भर जाता है। तो आपके घर में अगर एकदम छोटे बच्चे हो तो उनके लिए भी ये परफेक्ट टिफ़िन रेसिपी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा।